हमारा मान पैक कर लिया है एंड दिस वॉज माई रूम जहाँ मैं रुका था एंड इट इज़ अमेजिंग। सामने व्यू देखो। तो हाँ, व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना। आज हमारी 3:30 बजे की फ्लाइट है। तो यहाँ से क्या होता है, आइलैंड से अगर आपको जाना है माले, एयरपोर्ट माले में ही है, ठीक है ना। तो मेरी बोट है वो या तो 7:30 बजे की थी, ठीक है टाइमिंग, और या तो 1:30 बजे की थी। 11 बजे वाली जो थी वो अभी फिलहाल नहीं चल रही क्योंकि रमदान चल रहा है। वो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि 7:30 बजे निकलने का ऑप्शन है, क्योंकि अगर मैं 1:30 वाली में निकलता मुझे आधा घंटा लगेगा पहुंचने में माले, और 2 बजे पहुंचता 1 घंटा पहले गेट बंद हो जाते, वो रिस्की हो सकता था अगर बाय चांस बोट लेट हो जाती। इसी बग्गी में जाएंगे, कॉफ़ी मंगाई है, एक कप कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद ये वैसे भी 5 मिनट लगेंगे मुझे पहुंचने के लिए वहां पर। हमारी जो बोट है वो 7:30 को है, तो बस कॉफ़ी पीते हैं निकलते हैं। व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबाना। ये जर्नी होने वाली है मालदीव से लेकर इंडिया तक, एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है मालदीव एयरपोर्ट से, तो हाँ सारा कुछ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो टाइम टू से गुड बाय टू दिस प्लेस एंड दिस व्यू। इट्स अ ड्रीम प्लेस, जैसे हम वो किताबों में पढ़ते हैं ना, कॉमिक बुक में पढ़ते हैं बचपन में, और या फिर हमने जब कार्टून्स देखे होंगे तो ऐसी कुछ लोकेशन देखी होंगी। तो ये है 7:30 बजे, इसमें हम जाएंगे एयरपोर्ट। आधा घंटा से 1 घंटा लगेगा हमको पहुँचने में माले इंटरनेशनल। तो हाँ भाई, टाइम टू लीव द आईलैंड। ओके रशीद भाई, टेक केयर, बाय। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना, इट बिलोंग्स टू रिट्ज कार्टन, और एक दिन का स्टे लगभग अराउंड 2 लाख रुपए, एक दिन का स्टे 2 लाख रुपए। अगर आप रिट्ज कार्टन में रुकते हो तो ऐसी फैंसी जेटी आती है आपको लेने के लिए, एंड पूरा लगेज वगैरह आपका ऑलरेडी जो है स्टाफ पिकअप करता है एयरपोर्ट से, एंड दे टेक यू टू द होटल एंड लुक एट दिस। तो मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट, ये एक एरिया है जहाँ पे आप बैठ के आराम से मतलब बैठ सकते हो एसी में, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत बढ़ती है, एंड यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स भी हैं, जो कि अभी मैं लैपटॉप खोलने वाला हूँ, बहुत सारी मुझे एडिटिंग करनी है। एंड देखो मेरे को क्या दिखा, टेस्ट ऑफ इंडिया भाई साहब, एक डोसा बेलने वाला हूँ अभी मैं। तो ये डोसा लिया है मैंने, यकीन करोगे $8 का डोसा है, 700 रुपये कटे मेरे बैंक से, $8, अनबिलीवेबल गाइस। मतलब मुझे लगता नहीं ये पचेगा, पचना भी नहीं चाहिए, मैं तो बोलता हूँ 3-4 महीने पेट में ही रहे मेरे, कम से कम कुछ तो वसूल लूँ उसको। एनीवे तो एडिटिंग कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैं आ गया था माले, पहले मैंने आपको बताया था ना बोट का जो हुआ था, अभी नबील भाई हमको फिर मिल गए हैं, एंड नबील भाई के साथ वी विल एक्सप्लोर माले टुडे, एंड अभी हम देखते हैं भाई माले कैसा है, द सिटी। तो अभी हम माले सिटी में हैं गाइस, और यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ियाँ, टैक्सी, सब कुछ है। तो अभी हम आइलैंड में थे, आइलैंड में ये सब अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे से प्रॉपर सिटी एंड रोड्स वगैरह आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा साफ है। जो नबील भाई हैं वो पीछे बैठे हैं, नबील भाई ने बोला कि आप आगे बैठो तो आप कैप्चर कर पाओगे। वैसे मैं बता दूं कि मैं एडिटिंग कर रहा था, वीडियोस एडिट कर रहा था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि यार नबील भाई से मिलने का ये मौका है, एंड एडिटिंग तो मैं जाके भी कर लूँगा बट भाई से कब मिलूँगा, तो इसलिए आई एम हियर। एंड नबील भाई की मीटिंग भी है 10 बजे, तो वो निकल जाएंगे मीटिंग के लिए, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके जो भैया हैं मुझे छोड़ देंगे एयरपोर्ट वापस। ये जो एरिया है ना, इसको कॉन्क्रीट जंगल कहते हैं, मतलब जो लोकल्स हैं दे कॉल इट अ कॉन्क्रीट जंगल, बिकॉज इन माले यू फाइंड कॉन्क्रीट। बाकी जहाँ पे मैं था, आपने जो लास्ट 2 व्लॉग देखे वहाँ पे तो आपने देख ही लिया। एनी वे लेट मी टेल यू, सारा अरेंजमेंट जो मेरा था पिछले व्लॉग्स में आपने देखा, एवरी अरेंजमेंट इज़ डन बाय गोल्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स, ठीक है। सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, स्क्रीन पे भी आ रही होगी। अगर आपको बजट टूर करना है, मेरा बजट टूर था एंड इट वॉज एक्सेलेंट, और अगर आपको लग्जरी भी करना है तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। एंड सारे डिटेल्स जो है आप पूछ सकते हो कॉल करके। एनीवे अगर मैं आपको रफली आइडिया दूँ तो अराउंड 70 से 80 हज़ार रुपये से अंडर 70,000 आपका सारा ट्रिप जो है होने वाला है, अगर आप बजट ट्रैवल करते हो तो। तो हाँ, मेरी फ़्लाइट्स थी 26,000 रुपये की, मेरा स्टे जो था वो लगभग अराउंड 13-14,000 था इंक्लूडिंग फूड, और ये मालदीव में बहुत कम है बाय द वे, ठीक है ना। तो हाँ, डिटेल्स दिए डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर सकते हो, 5 साल का एक्सपीरियंस है इनको। मार्केट एरिया है माले सिटी का, मतलब इट्स अ डाउनटाउन एरिया आई कैन से, कमर्शियल एरिया है, सारे बैंक देखो, BML, ठीक है, कोका कोला की फैक्ट्री थी यहाँ, टैक्सी थोड़ी दुबई स्टाइल में है, ATMs हैं, HBL ATM मैंने शायद देखा था एक बार करतारपुर में। तो जो अभी लेफ्ट में देख रहे हो ना, ये प्रेसिडेंट ऑफिस है,
कचरा तो है ही नहीं है, खैर बहुत साफ लग रहा है ये, खैर ये बहुत बेसिक चीज है बट इट गिव्स यू द सिटी वाइब। और अभी रमदान चल रहा है तो हाँ यहाँ पे टूरिस्ट आपको कम मिलेंगे। मुझे ना 3-4 दिन बाद यहाँ पे आके बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि 3-4 दिन से तो मैं आइलैंड में था और यहाँ पे आके मतलब सभी कुछ बदल गया, तो हाँ काफ़ी डिफरेंट है। थोड़ी बहुत ना मुझे कोरमंगला वाली वाइब आ रही है, बैंगलोर कोरमंगला वाली। जमाल भाई है हमारे साथ, हम इनके साथ जो है अभी सिटी टूर करेंगे। नबील भाई कोई मीटिंग के लिए गए हैं, आ जाएंगे अभी आधे घंटे में। जमाल भाई बांग्लादेश के हैं, कोई लोग बांग्लादेश से देख रहे हैं लाइक कर देना एक वीडियो पे, ठीक है ना, और कमेंट करके बताओ बाय द वे वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस कॉर्नर से देख रहे हो दुनिया के, तो मुझे जान के अच्छा लगेगा। जमाल भाई को हिंदी भी आती है तो मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ इनके साथ। तो ये डाउनटाउन एरिया ना, तो ये हम आ गए डाउनटाउन एरिया, ठीक है, और यहाँ पे आपको शॉपिंग स्टोर्स वगैरह, ये फ्लोरा ग्रैंड, भाई साहब इंडिया का तो कोई ब्रांड नहीं है इधर फिलहाल, कोई भी मतलब मुझे दिखा सिवाय कोका कोला जो है कॉमन दिखा, उसके अलावा एवरीथिंग इज डिफरेंट है, सुपरमार्केट्स, और ये कोई होटल है, कोई रेसिडेंस है, नलकिया नलाइका, तो काफी बढ़िया लग रहा है। देखो टाइल्स वगैरह लगी है, जैसे अपने बॉम्बे साउथ बॉम्बे में लगती है ना पूरी टाइल्स, तो टाइल्स नहीं बोल सकते इसको एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, बट हाँ थोड़ा सा अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये कुछ तो लिखा है, जरा कमेंट करके बताओ क्या लिखा है। अभी बस ऐसी बाहर आया मैं, ये पूरा डाउनटाउन एरिया था माले का, तो मेरे बगल में देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना ये एरिया, ये कस्टम एरिया है मालदीव्स का, और माँ कसम बहुत स्ट्रिक्ट होगा भाई, होगा ही 100% बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो ये देख रहे हो ये है लोकल मार्केट, तो पहले हम डाउनटाउन एरिया में थे अभी लोकल मार्केट में आ गए, तो मेरे राइट पे देखो तो ये आपको लगेगा चांदनी चौक वाला, ठीक है ना, तो हाँ दिल्ली, तो भैया भाई भी समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो आपने जड़ी देखी ना अभी, उसमें तो जितने भी आइलैंड में सामान वामान होता है, ग्रोसरी होता है या बाहर से इम्पोर्टेड चीज़ आती हैं, इसी जटीज़ के थ्रू जाती हैं आइलैंड तक, तो ये काफ़ी स्लो जटीज़ होती हैं और पूरा सामान वामान भर के लेके जाती हैं ये अलग अलग आइलैंड से। हमारी कंट्री में ट्रक ड्राइवर्स होते हैं ना, कोई सामान को इधर से उधर ले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वैसे मालदीव्स में ये जटीज़ देख रहे हो ये सारी मतलब गुड्स वाली जटीज़ हैं, कार्गो वाली, तो इनको 3-3 दिन भी लग जाता होगा मतलब सारे आइलैंड में सारी ग्रोसरी का जो ऑर्डर है वो देना। तो ये है फिश मार्केट गाइस मालदीव्स का, मतलब माले का, बहुत बड़ा है, अंदर तक है पूरा जबरदस्त। हाँ ये पुलिस स्टेशन है, सॉरी, उसके पीछे जो है प्रेसिडेंट हाउस है, दिस इज प्रेसिडेंट हाउस, वो प्रेसिडेंट ऑफिस था है ना, ये प्रेसिडेंट हाउस है, हाँ वॉकिंग डिस्टेंस ही है, और देखो कितना कमाल का लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है प्रेसिडेंट हाउस ना, वाह यार सो गुड, मतलब कितने अलग तरीके से बनाया है ये पूरा एरिया है ना, जैसे हमारे दिल्ली में सेंट्रल सेट्रिकेट है ना वैसे ही एरिया है ये, मतलब प्रेसिडेंट हाउस कोर्ट हो गया या फिर पुलिस हेडक्वार्टर्स, मतलब वही एरिया है, काफी बढ़िया लग रहा है। इंडियन एम्बेसी पीछे है, ये रेड बिल्डिंग है, इसके पीछे इंडियन एम्बेसी है। माले है वो थोड़ा सा पुराने स्टाइल में बना है, और अगर आप जाओगे होले माले तो वो थोड़े नए स्टाइल में बना है, वो पास में ही है होले माले भी, बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो अच्छा एक और चीज बता दूंगा, जैसे ना यहाँ पे देखो लाइट्स, देखो कितने अलग कलर की लाइट्स हैं, और एक और चीज बताऊंगा ना, यहाँ पे ना मतलब ये पै 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 वो सब वाला काम नहीं है इधर, है ना, इधर हॉन्किंग वगैरह बिल्कुल नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत शांति है, तो उस हिसाब से जो है गाड़ियाँ चलती हैं इधर, और देखो रोड्स भी कितनी ज़्यादा स्मूथ हैं। मतलब हमारे देश में अलग सीन है ना, तुम्हारे देश में मतलब आपको पता ही है कि अब भाई साहब अगर आगे वाला बंदा ना हिले तो 2-4 माँ बहन की गाड़ियाँ निकल जाती हैं, और उसके बाद उसकी उसका ख़ानदान पूरा आ जाता है गालियों में, है ना, सामने वाला भी जो है सामने वाले के खानदान के बारे में चले जाता है, तो हमारे यहाँ अलग सीन है। वो बंदा जो है बाइक खड़ा कर चला गया, ठीक है, जो बंदा भी होगा पता नहीं शायद कहाँ गया है, वो बाइक बीच में खड़ा कर चला गया, लेकिन तो भी कोई गाली नहीं बकरा, मतलब ठीक है ना, देखो आराम से ये भी बैठे हैं, ये भी कोई गाली नहीं बकरा, मतलब उनको हमारे देश में अगर छोड़ के जाता है ऐसे बीच में बाइक, तो पता है ना क्या होना था आपको, उठा के बाइक फेंक देते, जला देते, ये बांग्लादेश से इनको भी पता है। तो हाँ गाइस भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे चोरी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती, जैसे अगर साइकिल वगैरह भी अगर आप भूल गए या साइकिल बीच रोड पे छोड़ गया कोई या फिर गाड़ी छोड़ गया तो भी वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं, फिर पुलिस आती है उसको अलग करती है अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ चोरी डकैती वाला सीन नहीं है बिल्कुल भी। माल भाई एक और चीज बता रहे हैं, जैसे हमारे इंडिया में से अगर लाइट खुलने वाली होती है ना तो कैसे एकदम गाड़ी शुरू हो जाती है, एकदम बस ढें ढें ढें, मतलब इसको उड़ा फोड़ देंगे किसी को भी। और दूसरी चीज़ कभी देखा होगा आपने, जैसे अगर येलो लाइट आ जाए या मतलब ग्रीन हो फिर येलो आ जाए, रेड आने वाली हो तो गाड़ियाँ उड़ा देते हैं हमारे लोग, ठीक है ना, मतलब कि रेड नहीं होनी चाहिए भाई साहब, पहले निकल जाओ येलो में, है ना, तो अच्छा उस चक्कर में 2-4 लोग कुचले भी जाते हैं, कुछ लोग को कुचल भी देते हैं, किसी को गाड़ी में ठोक दिया, कुछ कर दिया, लेकिन यहाँ ऐसा सीन नहीं होता, यहाँ पे भाई रेड मतलब रेड और ग्रीन मतलब ग्रीन। ये जो है जुडिशरी एरिया है मालदीव्स का, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह,
तो मैंने ना ये ब्लैकबेरी योगर्ट ली है, बुल्गेरियन स्टाइल योगर्ट, कल ली थी, बहुत कमाल की है, 30 रुपया की है। सो गाइस फाइनली हेडिंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट। जैसे ना हमारी गाड़ी एकदम बीच रोड पे खड़ी हुई थी, मतलब सेंटर बिल्कुल बीच में बोल सकते हो, पार्किंग में भी नहीं थी, मतलब कोई बंदा नहीं आया पीछे से बोलने कि आगे कर यहाँ कैसे खड़ी करी करके। ये हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है। तो हाँ, पहले इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया ये हॉस्पिटल, मालदीव्स गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा रीडेवलप किया, री इनोवेट किया मालदीव्स। तो गाइज ये जो मालदीव्स का एयरपोर्ट है ना, जब मैं आया था मैंने तभी बताया था आपको कि ये देखो रीडेवलप कर रहे हैं, बेसिकली नया टर्मिनल बना रहे हैं, तो इसमें एरो ब्रिजेस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। तो जो लास्ट एयरपोर्ट है उसमें एरो ब्रिज वगैरह नहीं है, हालांकि डजेंट मैटर, एंड ये बना रही है सऊदी गवर्नमेंट। तो कुछ काम इंडियन गवर्नमेंट कर रही है ब्रिज बनाने के, कुछ सऊदी गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, तो लाइक अलग अलग कंट्रीज के गवर्नमेंट कुछ कुछ काम कर रही है। बढ़िया टर्मिनल बनेगा और जल्दी बन जाएगा ये काफ़ी। एयरपोर्ट आ गया हूँ फाइनली, यहीं से गए थे हम थुलुस्दू आइलैंड। भाई बहुत कुछ याद आएगा इधर, बहुत मज़ा आई मालदीव्स में, बहुत सारी मेमोरीज लेके जा रहा हूँ अपने साथ। एंड अगर आओगे ना मालदीव्स तो मैंने डिटेल्स दे ही दी है डिस्क्रिप्शन में, एंड अगर मौका मिले तो नबील भाई से ज़रूर मिलना, व्हाट अ जेम ऑफ अ पर्सन, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं आ गया था, नबील भाई छोड़ गए थे, फिर मैंने वीडियो एडिट की, लगभग एक घंटे से एडिटिंग हो गई है कम्प्लीट, अब मैं रेंडर कर रहा हूँ पूरी वीडियो को। तो मुझे वाईफाई चाहिए था, तो वाईफाई फ्री जो था ना वो दूसरे वाले सेक्शन में था, इस वाले सेक्शन में फ्री वाईफाई नहीं है। एंड अगर आपको इस वाले सेक्शन में फ्री वाईफाई चाहिए तो आपको बर्गर किंग से कुछ लेना पड़ेगा, मिनिमम $10 का। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ लेना पड़ा एंड $12 का बिल बना है। तो हाँ, जस्ट बिकॉज मैं वीडियो एडिट कर पाऊँ तो इसलिए मैंने फ़िलहाल जो है एक बर्गर मील वगैरह ले ली है। आई नो ये थोड़ी सी बोल सकते हो कि हाँ डाइट को अफेक्ट करेगी, बट वाईफाई चाहिए था, अब मैं क्या करूं भाई, तो ऑप्शन था नहीं मिनिमम। तो एयरपोर्ट एंटर कर गए हैं माले के, बिल्कुल भी रश नहीं है, हमारे इंडिगो के सामने ज़बरदस्त रश है भाई साहब, ये श्रीलंकन एयरलाइंस पूरा खाली पड़ा है। फाइनली इमिग्रेशन डन, सिक्योरिटी डन, सब कुछ हो गया ख़त्म, मैं आ चुका हूँ मतलब गेट्स के सामने। आज जो लास्ट शॉट था मैंने स्पेशली बर्गर किंग लिया सो दैट मैं वाईफाई यूज़ कर पाऊँ, बट वाईफाई मिला आधे घंटे के लिए, और बिलीव करो कि स्पीड कितनी थी वाईफाई की, 0.05 Mbps, मतलब आधे घंटे में 1% ब्लॉग अपलोड हुआ, मतलब मैंने स्पेशली लिया ब्लॉग अपलोड करने के लिए, एंड एकदम भद्दा वाईफाई, बर्गर भी खा लिया, डाइट भी तोड़ दी, वाईफाई भी नहीं मिला, सारा कुछ उल्टा सीधा हो गया। एयरपोर्ट का वाईफाई थोड़ा ठीक है, एंड इसी वाईफाई में आई थिंक मेरा ब्लॉग अपलोड हो जाए, आई थिंक सो। कुछ तो एरर है गाइस, एयरपोर्ट वाईफाई से ब्लॉग अपलोड नहीं हो रहा। तो बोर्डिंग हो गई है स्टार्ट, श्रीलंका, बढ़िया फ्लाइट थी और 1.5 घंटे में आ गया। हाय, सो सॉरी, इट्स ओके। तो हाँ, बस 1.5 घंटे में आ गया, हाफ एन आवर में मेरी आगे की फ़्लाइट है बैंगलोर की, गेट नंबर 2 जा रहा हूँ। तो हाँ, 1 महीने में 3 बार आ गया मैं श्रीलंका एयरपोर्ट, तो मुझे पता चल गया भाई सब कुछ किधर है, सिक्योरिटी इज़ क्लियर्ड, ठीक है, अब बस वाईफाई अच्छा नहीं मिल रहा, सब कुछ मिल गया, वाईफाई अच्छा नहीं मिल रहा, एंड आई एम नॉट एबल टू अपलोड द व्लॉग, तो बस यही प्रॉब्लम है। एनीवे अब मैं आपसे सीधा बैंगलोर जाके मिलता हूँ, सीधा वहीं पे व्लॉग को एंड करूँगा। एंड आपने इस वाले व्लॉग को देखा कैसे मैंने माले का पूरा टूर देखा अपने माले का, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस देखा एंड ये जर्नी देखी, आई होप आपको अच्छी लगी हो, थैंक यू वेरी मच।